अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे? अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे? तो अभिनव राग मंजरी के जो लेखक थे वो थे पंडित भात खंडे। पंडित भात खंडे। आगे कहरवा ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो कहरवा ताल में है 8 मात्राएं। निम्नलिखित में से किस ताल में 7 मात्राएं होती है? तो 7 मात्राएं किस में होती है? तो ये रूपक में होती है। आगे धमाड़ गायकी में कितने ताल का प्रयोग होता है? तो धमाड़ गायकी में जो है वो कितने ताल का प्रयोग होता है, किस ताल का प्रयोग होता है? तो रूपक। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा ताल का प्रयोग होता है, सॉरी रूपक नहीं, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धमार्थ। नाम ही है धमार्थ गायकी, तो कौन सा ताल का प्रयोग होगा? धमार का। अगला, पंडित विष्णु दिगंबर फुलुस्कर किस लिए जाने जाते हैं? ठीक है, तो वो जाने जाते हैं संगीत प्रचारक के रूप में। संगीत प्रचारक के रूप में। थाट कितने प्रकार के होते हैं? तो थाट होते हैं 10 प्रकार के। झपताल में कितने विभाग होते हैं? तो झपताल में होते हैं 4 विभाग। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं? निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि केदार। स्वरों के उतरने के क्रम को क्या कहते हैं? तो जैसे मैंने बताया अवरोह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17-18 में पूछा जा सकता है। और स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आरोह। ठीक है, भीम प्लासी का गायन समय, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो जाएगा? अपराह। पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा वाद्य बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। ठीक है, राग यमन का गायन समय क्या है? तो राग यमन का गायन समय है सायंकाल। संपूर्ण जाति में कितने स्वर का प्रयोग होता है? तो संपूर्ण जाति में जो है वो कितने स्वर का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 7। संपूर्ण जाति में कितने प्रकार के स्वर का प्रयोग होता है? 7। ताल लिपि में चिन्ह ओ से क्या सूचित किया था? तो चिन्ह ओ से सूचित किया था खाली। ठीक है, राग देश किस थाट से उत्पन्न हुआ है? तो राग देश जो हुआ है वो खमाज थाट से उत्पन्न हुआ है। आगे, श्रुति कितने हैं? तो श्रुति कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि 22 श्रुति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। ध्रुवपद में कौन सा ताल बजता है? तो ध्रुवपद में बजता है चौताल। ठीक है, अगला जो है, किस राग में ग नी एवं बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि काफ़ी। ऑप्शन नंबर ए, गानी एवं बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं, वो कौन सा? काफ़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस विद्या के गायक थे? तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस विद्या के गायक थे? तो ऑप्शन नंबर सी, ख्याल एवं ठुमरी जो है विद्या के गायक थे। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी हैं, तो पंडित भीमसेन जोशी क्या हैं? तो एक गायक हैं। ठीक है, सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो सप्तक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 ताल का खाली है, 3 ताल का खाली है, तो कितने खाली है इसमें? तो सी, यानी कि 9 खाली है। ठीक है, नाद के कितने प्रकार के होते हैं? तो नाद जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? तो ख्याल में जो है वो 3 ताल का प्रयोग होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राग हमीर किस थाट के अंतर्गत आता है? तो राग हमीर जो है वो कल्याण थाट के अंतर्गत आता है। ख्याल गायन में किस प्रकार के ताल वाद्य का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है तबला वाद का प्रयोग होता है। राग भैरव किस थाट से उत्पन्न है? तो राग भैरव जो है वो भैरव थाट से उत्पन्न है, नाम ही है भैरव। राग भैरव का वादी स्वर क्या है? तो राग भैरव का वादी स्वर जो है वो क्या है? भैवक। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, क्या क्वेश्चन देख लेते हैं, औरव जाति में कितने स्वर व्यवहार होते हैं? तो औरव जाति में जो है कितने स्वर व्यवहार होते हैं? तो इसमें 5 होते हैं। ताल कहरवा का प्रयोग होता है, तो ताल कहरवा का प्रयोग होता है सुगम संगीत में। सुगम संगीत में। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो रूपक ताल में जो है वो 7 मात्राएं होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राग भैरव का गायन समय क्या है? तो राग भैरव का गायन समय जो है वह है प्रातःकाल। राग भैरव का गायन समय क्या है? प्रातःकाल है। ध्रुवपद में किस ताल का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है 4 ताल का प्रयोग। ठीक है, राग भीम प्लासी का संवादी स्वर है, तो इसका संवादी स्वर जो है वो है षड्ज। ठीक है, ध्रुपद गायन में किस प्रकार के ताल वाद्य का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है पखावज। नेक्स्ट है, भैरव राग की उत्पत्ति किस थाट से हुई है? तो इसका जो है वो भैरव हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, राग केदार की उत्पत्ति किस थाट से हुई है? तो राग केदार की उत्पत्ति जो है वो हुई है आपका कल्याण थाट से। ठीक है, विलायत खां क्या बजाते थे? तो विलायत खां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलायत खां क्या बजाते थे? तो सितार बजाते थे। ठीक है, पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? ये
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांसुरी बजाते थे, ठीक है। उस पंडित बच्चा मिश्र क्या बजाते थे? पंडित बच्चा मिश्र जो है वो जल तरंग बजाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करा है। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार में नवरत्नों में इनमें से कौन एक थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा जा चुका है। तो आमिर खुसरो नहीं थे, विलायत खां भी नहीं थे, पंडित देवलाल मिश्र भी नहीं थे, तानसेन थे, ठीक है। अब अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन, ठीक है, जो जो गायन का काम करते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये बंगाल में हुआ था, ठीक है। विश्व कवि भी कहते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर को। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर एवं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत को क्या दिया? तो क्या दिया? स्वर लिपि पद्धति दिया, ठीक है। आगे, गंधर्व महाविद्यालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे है? लाहौर में, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में है। लय के कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि तीन प्रकार के होते हैं। संगीत में समय नापने को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संगीत में समय नापने को कहते हैं मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्राओं के अलग अलग संचयन को क्या कहते हैं? तो मात्राओं के अलग अलग संचयन को कहते हैं ताल। जिस मात्रा से कोई ताल आरंभ हो वह है, तो कौन है वो? तो सम है, ठीक है। पद रचनाओं के सस्वर गायन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? गीत कहते हैं। गीत के कितने प्रकार के होते हैं? तो गीत जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रेम मार्ग किसका भेद है? प्रेम मार्ग जो है वो किसका भेद है? तो गीत का भेद है। धमार क्या है? तो गायन शैली अंतरा संचारी कोई नहीं, तो क्या है? गायन शैली है धमार। अगला जो क्वेश्चन है वह है, धमार किस काल की देन है? तो किस काल की देन है? तो मध्यकाल की देन है धमार। धमार कितने मात्रे का होता है? तो धमार जो है वो 14 मात्रे का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्रुवपद आज क्या कहलाता है? ध्रुवपद आज जो है ध्रुव नहीं कहलाता, ध्रुवपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किस रचना में राग का पूरा लक्षण वर्णित हो? जिस रचना में राग का पूरा लक्षण वर्णित हो वह है, तो क्या है? लक्षण गीत है। आगे, गुलाम नबी शोरी ने किस गायन शैली को जन्म दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टप्पा को, ठीक है। जिस गीत में तीन अंग हो वह कहलाता है, तो तीन अंग तो त्रिवट कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऑप्शन त्री मतलब तीन। मीर के कितने प्रकार हैं? तो मीर के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, ठीक है। आगे, साढ़े गम साढ़े गम आदि का संक्षिप्त रूप है, तो क्या है? सरगम। साढ़े गामा का संक्षिप्त रूप क्या है? सरगम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे, जमजमा या खटका किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। तो जमजमा या खटका किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये जो दर्शाया जाता है वो सा के द्वारा, ठीक है। गीत से जुड़ा हुआ सरगम है, गीत से जुड़ा हुआ सरगम कौन है? गद्य। आगे, किसी टुकड़े को तीन बार बजाकर सम पर आना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तिहाई। तीन बार बजाना है इसलिए तिहाई। सभी रागों की उत्पत्ति कितने थाटों से मान्य है? तो 10 थाट। स्वरों को कंपन के साथ की जाने वाली प्रस्तुति है, तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी गमक। स्वरों को कंपन के साथ की जाने वाली प्रस्तुति क्या कहलाती है? गमक कहलाती है। प्राचीन काल में गमक के कितने प्रकार थे? तो इसमें थे 15 प्रकार। पहले नमित क्या है? तो नमित क्या है? एक गमक है। पद रचनाओं से संबंधित विभिन्न खंड है, तो क्या है? मातु। आगे, चंचल प्रकृति की गायन शैली कौन है? चंचल प्रकृति की गायन शैली कौन है? तो ठुमरी है, ठीक है। चतुर्दंडी प्रकाशिका किनकी लिखी हुई पुस्तक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये किनकी पुस्तक है? तो पंडित वेंकट मुखी की पुस्तक है। आगे, पंद हरिदास स्वामी कौन थे? तो ये थे एक गायक थे। रूपक ताल में किस किस मात्रा पर तालियां होती है? तो ऑप्शन नंबर बी पहली चौथी और छठी मात्रा पर जो है इसमें तालियां होती है। झपताल में कितनी मात्राएं होती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कितनी होती है? 10 मात्राएं होती है। झपताल में कितनी मात्राएं होती है? 10। सूलताल कितनी मात्राओं का होता है? तो सूलताल जो होता है वो 10 मात्राओं का होता है। त्रिताल कितनी मात्राओं का होता है? त्रिताल जो होता है वो 16 मात्राओं का होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो एक ताल में जो है वो 6 विभाग होते हैं। त्रिताल में कितने विभाग होते हैं? तो त्रिताल में जो है वो 4 विभाग होते हैं। चौताल में कितने विभाग होते हैं? तो चौताल में जो है वो 6 विभाग होते हैं।
आगे झपताल में कितने विभाग होते हैं, तो झपताल में जो है चार विभाग होते हैं। धमाड़ ताल में कितने विभाग होते हैं, धमाड़ ताल में चार विभाग होते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है सुर ताल में कितने विभाग होते हैं, तो सुर ताल में जो है वो पांच विभाग होते हैं। तिलवाड़ा ताल कितनी मात्राओं का होता है, तिलवाड़ा ताल जो है वो 16 मात्राओं का होता है। धमाड़ ताल में खाली का प्रयोग किस मात्रा पर होता है, तो खाली का प्रयोग जो है इसमें 8वीं मात्रा पर होता है। एक ताल में कुल कितनी तालियां होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। एक ताल में कितनी तालियां होती है, तो इसमें राइट आंसर होगा सी नंबर यानी कि 4, चार तालियां होती है इसमें। आगे झप ताल में कितनी तालियां होती है, तो झप ताल में जो है होती है 3 तालियां। ठीक, त्रि ताल में कुल कितनी खाली होते हैं, तो इसमें जो होते हैं वो हैं 1। चौताल में कुल कितनी खाली तालियां होती है, तो इसमें जो होती है वो 4, नाम ही है चौताल इसलिए 4 होगा राइट आंसर। आगे सुल ताल में कुल कितनी खालियां होती है, तो इसमें जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। चौताल कितनी मात्राओं का होता है, तो चौताल कितनी मात्राओं का होता है, 12 मात्राओं का। झूमड़ा ताल कितनी मात्राओं का होता है, झूमड़ा ताल होता है 14 मात्राओं का। दीप चंदी ताल कितनी मात्राओं का होता है, तो ये होता है 14 मात्राओं का, झुमरा ताल भी और दीप ताल भी, दीप चंदी ताल भी। विकृत स्वर कितने होते हैं, तो ये हो जाएगा 5। राग विहाग का गायन समय क्या है, तो राग विहाग का गायन समय जो है वो रात्रि का प्रथम पहाड़ है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है राग देश का गायन समय है, राग देश का गायन समय है, तो ऑप्शन नंबर सी राग रात्रि का दूसरा पहाड़। राग यमन किस थाट से उत्पन्न है, तो 2018 में पूछा जा चुका है, यह कल्याण। राग यमन जो है किस थाट से उत्पन्न है, कल्याण। राग विहाग किस थाट से उत्पन्न है, तो राग विहाग जो है वो बिलावल थाट से उत्पन्न है। आगे राग भैरव किस थाट से उत्पन्न है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि भैरव, ये रिपीट हो चुका है फिर क्वेश्चन। अलहिया बिलावल किस थाट से उत्पन्न हो राग है, तो अलहिया बिलावल जो है वह बिलावल थाट से उत्पन्न है। राग देश किस थाट से उत्पन्न है, तो राग देश जो है वह खमास थाट से उत्पन्न।